सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्ट्रोम ब्रदर्स यूट्यूब चैनल में। हम आपका होस्ट स्ट्रोम शक्ति और हम लोग आ चुके हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आलोक कैरेक्टर जो होता है एक मल्टी स्किल्ड कैरेक्टर होता है, इसको कैसे इफेक्टिवली आप लोग यूज में ले सकते हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आप लोग क्या करते हो, अच्छा प्लेयर का प्रोफाइल या इसका स्किल स्लॉट देख लेते हो, वो आलोक कैरेक्टर को यूज करता है तो आपको लगता है कि आलोक कैरेक्टर यूज करोगे तो आप लोग प्रो हो जाओगे, पर आलोक कैरेक्टर का यूजेस आपको पता नहीं होता है तो आप उसको ले ही लेते हो डायमंड वेस्ट करके, पर आप उसके जैसा आलोक को यूज नहीं कर पाते हो और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपका गेम इंप्रूव नहीं होता है तो आप खेलना छोड़ देते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आलोक कैरेक्टर मल्टी स्किल्ड कैरेक्टर है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, मैं इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल में नहीं हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको प्रेस करके ब्लॉक कर दो, बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल में सेट कर देना। ऐसे करोगे तो मैं जब भी रेगुलरली वीडियो छोड़ूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप आसान तरीके से इसको देख के कुछ सीख पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। ओए छोटू लगा दे इंट्रो। जो आलोक कैरेक्टर है मल्टी स्किल्ड कैरेक्टर है, यानी इस कैरेक्टर के अंदर बहुत ही सारा कैरेक्टर का एबिलिटी भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका स्किल क्या है। इसका स्किल का नाम है ड्रॉप द बीट। ये जो कैरेक्टर क्या करेगा, एक 5 मीटर का औरा क्रिएट करेगा यानी सर्कल क्रिएट करेगा, इसमें इसका 15% जो है मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा एंड ये जो है 10 सेकेंड तक 5-5 HP करके देगा यानी 50 HP देगा आपको। अभी देखते हैं ये कैरेक्टर कैसे अलग कैरेक्टर का काम करता है। इस सिचुएशन में आप लोग देख सकते हो मैं भाग के जा रहा था और एनिमी ने मुझको स्पॉट कर लिया और गोली चलाने लग गया। यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्पीड जो है कितना बढ़ गया, मैं आलोक को यूज कर दिया यानी केली का स्पीड मुझ में आ गया और ये बेचारे को मैं हेडशॉट देके खत्म कर दिया। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आप लैंड करते हो तो आपको एनिमी दिख जाते हैं, वो आपको डैमेज दे देते हैं, आपके पास मेडिकिट नहीं होता है कुछ इस तरीके से जैसे मेरे पास नहीं है। ये जो सिचुएशन में आप लोग आलोक का यूज इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे गया और मेरा HP कितना कम है, मैं यहाँ पे एनिमी को स्पॉट किया और हेड के साथ उसको ख़त्म कर लिया और यहाँ पे लैंडमाइन लगा के चला गया क्योंकि लैंडमाइन में वो फूट के मर जाएगा, मेरे को आसान होगा। और एक एनिमी आ गया, मैं उसको भी हेडशॉट दे के ख़त्म कर दिया। इस दौरान आप लोग देख सकते हो मेरे को ऊपर से बहुत ही गंदी डैमेज पड़ी और यहाँ पे मैं आलोक का स्किल यूज़ किया। यहाँ पे आलोक का स्किल नहीं होता तो मैं बचना मेरा नामुमकिन होता। यहाँ पे जैसे ही मैं थोड़ा हिलअप हो गया, मैं प्लाज्मा गन निकाला और उसको स्पॉट किया और हेडशॉट के साथ इस चिमकांडी को ख़त्म कर दिया। और एक चीज़ है जो आलोक को अलग बनाते हैं सब कैरेक्टर में, आलोक क्या करता है स्प्रिंटिंग के साथ आपको HP देता है, यानी स्प्रिंटिंग करते हुए भागते हुए भी आपको HP मिलता है, जो कि बहुत ही यूनिक और ख़ास चीज़ है और किसी कैरेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलता है। आलोक कैरेक्टर जो है आपका HP फैक्टर में वर्क करता है, यानी आपका HP कितना जल्दी रिकवर होगा ये जो फैक्टर है इसमें वर्क करता है आलोक कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर है मैक्सिम के बराबर है, यानी मैक्सिम क्या करता है जल्दी से जल्दी मेडिकेट लगाता है, EP कंज्यूम करता है, मशरूम खाता है। ये जो आलोक कैरेक्टर क्या करेगा, आपका HP घट गया तो आलोक को स्किल को यूज करके आप मेडिकेट लगाओगे तो उतना टाइम में भी आप डबल HP पा सकते हो। आलोक कैरेक्टर को आप भी और एक स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हो। आप जब भी एनिमी के ऊपर रस करते हो, देख सकते हो मैं यहाँ पे एनिमी के ऊपर रस कर रहा हूँ और आलोक का स्किल यूज करके रस किया। यहाँ पे क्या होता है ना, आलोक आपको एक्स्ट्रा मूवमेंट स्पीड दे देता है और आपका HP हिलअप भी होता है। जब भी एनिमी आपको डैमेज देगा तो HP जो है रिकवर हो जाएगा आलोक से और आपको एक्स्ट्रा स्पीड भी मिलेगा उसके ऊपर रस करके उसको मारने के लिए। और किसी किसी सिचुएशन में आपको भागना भी पड़ सकता है, आलोक को यूज़ करके भागोगे तो जल्दी आप भाग सकते हो, वही सिचुएशन में आप हैंडल कर सकते हो। बिना रीजन के जो आलोक स्किल को यूज करके इसका ओरा को दिखाते हैं कि अलग जो बंदे हैं टीममेट को दिखाते हैं मेरे पास आलोक है देख, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, उल्टी आपके ऊपर असर पड़ता है। यानी आप इसको यूज कर दोगे तो आप इंटेंस फाइट के वक्त इसको स्किल का यूज़ नहीं कर पाओगे, इसका कूल डाउन नहीं हुआ होगा तो आप इस सिचुएशन में फंस जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ आलोक को सही तरीके से यूज़ करो, दिखाने के लिए यूज़ मत करो। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आलोक को इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप और आपके टीममेट आलोक के मदद से हीलअप हो सकते हो, यानी आप स्क्वाड खेल लो या डुओ खेल लो, आलोक के मदद से आप लोग अपना HP को रिकवर कर सकते हो। इंटेंस फाइट हो या आप कहाँ से गिर गए, आपका HP कम है तो आलोक यूज करके आप अपना जो HP है रिकवर कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आलोक के सर्कल के अंदर आप रहोगे तो आप हीलअप होगे, आपका जो टीममेट होगा वो रहेगा तो हीलअप होगा। इस तरीके से स्क्वाड मेंबर के पास चारों के पास जो आलोक होगा तो आलोक के स्किल के मदद से आप 200 HP पा सकते हो।
और एक बार भाई लोग आपको याद दिला देता हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और टाइम लगता है आपके लिए वीडियो लाते हैं। अब सब्सक्राइब और लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दिया करो इसी तरीके से कंटेंट देखने के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आलोक कैरेक्टर जो है मल्टी स्किल्ड कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है फोर्ड का काम भी कर लेता है। यहाँ पे देख सकते हो मैं जोन के अंदर हूँ तब भी मेरे को जो डैमेज हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। जो फोर्ड क्या करता है, जोन के बाहर आप हो तो आपको जो एचपी जो डिक्रीज होता है वो कम कर देता है, पर आलोक कैरेक्टर आप लोगे तो एचपी कम हो जाएगा जल्दी, पर आप इसको रिकवर कर सकते हो, आपको 50 एचपी दे देगा, 30 सेकंड में कूलडाउन टाइम है इसका। अब इसको यूज करके मैक्सिमम जो है एक से दो जो जोन के बाहर आप रह के फाइट भी ले सकते हो और आपका एचपी भी लॉस नहीं होता है। अभी बात करते हैं हमारा गिव अवे अनाउंसमेंट का। पिछले वीडियो के तरह इस वीडियो में भी 10 से 50 रुपीज का गिव अवे चल रहा है। पिछले वीडियो में क्या था, लाइक एम थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसीलिए आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इसका जो गिव अवे अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। इस वीडियो में हम रखते हैं लाइक एम 75 लाइक ओनली। इस माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो तो आप कमेंट में अपना गूगल पे या फोन पे पेटीएम नंबर देते हो तो हम लोग क्या करेंगे 10 से 50 रुपीज का गिव अवे आपको सेंड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ऑल में दबा देना है और प्यारा सा कमेंट कर देना है। अभी आते हैं हमारा टॉपिक जो है फोर्ड का काम कर लेता है आलोक कैरेक्टर। जोन के अंदर भी आप फाइट कर सकते हो और आपको जोन काटेगा तो आप रिकवर कर सकते हो आलोक को स्किल का यूज करते हुए, और एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन में भी आप आलोक कैरेक्टर को यूज में ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैं बीमा शक्ति स्ट्रिप में उतर गया और मेरे साथ बहुत ही बंदे उतरे हैं, मेरे को गन अभी तक नहीं मिला है, मैं भाग रहा हूँ उनसे, यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ गई और मैं आलोक का स्किल यूज करके कैसे एनिमी को चकमा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनिमी मुझे स्पॉट ही नहीं कर पा रहे, मैं उसको चकमा देके इधर से उधर जा रहा हूँ और एनिमी मेरे को जो डैमेज दिया था उसको रिकवर कर रहा है आलोक का स्किल। यहाँ पे देख सकते हो मैं भाग रहा हूँ स्पीड से और मेरा एचपी भी बढ़ रहा है। कुछ इस तरीके से आलोक कैरेक्टर को आप इफेक्टिवली यूज में ले सकते हैं। और एक बार आपको याद दिला देता हूँ मैं किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया हूँ। यहाँ पे आप आलोक कैरेक्टर को केली की तरह यूज कर सकते हो, आपको स्प्रिंटिंग स्पीड जो है ज़्यादा मिलेगी। आप आलोक कैरेक्टर को जोसेफ की तरह भी यूज कर सकते हो, जब भी आपके ऊपर डैमेज आएगी जोसेफ की तरह जल्दी से भागेगा। और आलोक कैरेक्टर को आप मैक्सिम के तरह यूज कर सकते हो जल्दी से हील अप होने के लिए, और आलोक कैरेक्टर को आप जोन के अंदर फाइट लेने के लिए फोर्ड के तरह भी यूज कर सकते हो, और आलोक कैरेक्टर को लेके आप एनिमी के ऊपर रश कर सकते हो बहुत ही स्पीड से और आपको एचपी भी रिकवर हो सकता है, और आलोक कैरेक्टर लेके आप भी अपना टीममेट के साथ अपने आप को हील अप कर सकते हो। इस तरीके से आलोक बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्ड कैरेक्टर है फ्री फायर बैटल ग्राउंड का। और भी छोटा मोटा टिप्स है आलोक का, कहाँ पे आप गिर गए, फॉल डैमेज आपका हुआ, 5-10 एचपी कम गया तो आलोक स्किल यूज़ करके भी आप इसको हील अप कर सकते हो, और कहाँ पे आप सेफ जोन में हो, आपको कोई एनिमी ने डैमेज दे दिया तो आपके पास मेडिकेट कम है तो आप वहीं पे रुक कर आलोक स्किल को यूज़ करके अपने आपको हील अप कर सकते हो, अपना मेडिकेट भी बचा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे होम।